सभी को हैप्पी 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 जन्माष्टमी एक दिन पहले एडवांस में। और मैं आज बनारस विद्यापीठ में आ रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे आज झांकी का जो जन्माष्टमी झांकी उत्सव होता है वहाँ का कल जो कार्यक्रम है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक नहीं दो नहीं लगभग 25 से 30 झांकी यहाँ पे बनती है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे झांकी आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपको यही इस वीडियो के अंदर यही होने वाला है कि कौन कौन सी झांकी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, एक नहीं बहुत सारी झांकियाँ और वो अच्छी अच्छी कंटेंट्स है। और जो भी आपको पब्लिक दिख रही जो बनारसी विद्यापीठ के सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे झांकी दिखाने वाला हूँ बनारसी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, उसके बारे में मैं आपको झांकी दिखाने वाला हूँ जन्माष्टमी के उत्सव के अंदर। तो इसमें आप बिल्कुल भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो को आपको देखते हुए, दिखाते हैं आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर यहाँ पर झांकियाँ जन्माष्टमी उत्सव पे। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, जो पास में यहाँ पर रेड कलर का जो बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी डिफरेंट वीडियो केवल टू केवल ब्लॉग्स बाय विवेक के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो फिर बिना देरी करते वीडियो आगे स्टार्ट। और हम अभी बनारसी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कल जन्माष्टमी उत्सव है वहाँ की झांकी यहाँ पर एक तरह से बन रही है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। और ऐसे पूरी काफ़ी ज़्यादा भी नहीं तो 25 से 30 झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट झांकी जो यहाँ की कारागार वाली झांकी है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से, उसके बाद में जो यमुना वाली जो रहती है वो उसकी भी आगे भी आपको काफ़ी सारी झांकी देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो हमारे मुख्य अतिथि जो कि इनाजी शास्त्री जी यहाँ पर आ गए हैं और साथ ही साथ हमारी जो झांकी है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सुंदर झांकी यहाँ पे बनाई हुई है एक तरह से, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे काफ़ी सुंदर सुंदर झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बेटा चलते जाओ उनसे थोड़ा थोड़ा सा देखो अपनी झांकी जो वापस से स्टार्ट हो गई है और अपन ने 7 से 8 झांकी यहाँ पे देख ली है। और जो है जो प्रकृति एवं कला प्रेम का यहाँ पर आपको वर्णन किया गया है वो काफ़ी सुंदर सुंदर झांकी यहाँ पे बनारसी विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे बनाई हुई है, एक बार देखिए आप। देखिए ये कल एक मर्दन और जो नागिन के ऊपर जो डांस किया था संग कृष्ण जी ने उसके ऊपर वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ में अब जो आगे जो आने वाली है वो बहुत शानदार जाके आने वाली है, आपको देखकर काफ़ी मजा आने वाला है पैसे को लेकर। काफ़ी दूर तक जाना है आपको यहाँ से, जो एक बार पब्लिक दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी गली है हमारी झांकी यहाँ पे एक तरह से वापस से स्टार्ट हो गई है। और देखो कितनी शानदार तरह से यहाँ पे झांकी बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे झांकी। देखो बहुत देखो कितनी शानदार तरीके से यहाँ पे झांकी को सजाई गई है। और साथ ही साथ में जो डांस है जो मणिपुरी डांस टाइप है यहाँ पे बताया हुआ है, जो रास हो रहा है यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी को जो रास की रचना यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है।
ये गोवर्धन पर्वत उठाते हुए जो राधा जी कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था उसके बारे में यहाँ पे रचना की गई है, और साथ ही साथ में कंस वध का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो एक तरह से जो भी कृष्ण जी की रासलीला पूरी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, पूरी एक तरह से सब कुछ है। और इतनी अच्छी अच्छी झाँकें यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि सहमे बाग में स्टैचू है एकदम बिल्कुल। और देखो कंस वध आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। अब जो आगे आने वाला है वो आने वाला है आगे कुछ नहीं होगा यार, जब जाओ आपको संत द्वारा दीक्षा उपदेश के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। और अब आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। ब्लॉग शूट कर तो सो अब हम यहाँ पर आगे चलने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पर अपन ने देखा था कंस वध, इसके बाद में संदीप द्वारा जो एक तरह से आगे अपन को सुदामा कृष्ण सुदामा के यहाँ पे भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो सो गाइस आप देख रहे होंगे कि कृष्ण सुदामा और ये देखिए सामने आप देख सकते हो कृष्ण सुदामा के मिलन के ऊपर भी यहाँ पे झांकी बनाई हुई है, और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे झांकी है। और आगे की जो झांकी आने वाली है वो भी काफ़ी सुंदर आने वाली है एक तरह से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आई होप आप सभी को। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे डिफरेंट कंटेंट के साथ में आपको हमारी वीडियो काफ़ी अंत तक मिलने वाली है। Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. I know you got me fucked up. Let me show you what's up. 'Cause enough is enough. है गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को एक एक झांकी यहाँ पे दिखा दी है, काफ़ी सुंदर सुंदर झांकी यहाँ थी जन्माष्टमी उत्सव पे, और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी बहुत भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट थे विद्यापीठ के, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो आपको अच्छा लगी होगी। और थोड़ी सी मिस ये रहेगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से वीडियो थोड़ा नॉर्मल बनी होगी, पर काफ़ी अच्छा लगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।